संभाल के रख ले। हाँ। और सुन, रेलवे स्टेशन पहुँच के अच्छी सी मिठाई खरीद लियो। और वो नाम पता सही से लिख के रख लिया ना तूने? हाँ लिख लिया, पंडित जगदम्बा प्रसाद। जरूर मध्य युग के होंगे। और लड़की, बाप रे बाप, अनुसुईया, ये तो जरूर वैदिक काल की होगी। ऐसी लड़की से मेरी शादी तय करने की क्या जरूरत थी? अरे कोई अच्छा सा नाम होता, थोड़ा आधुनिक, थोड़ा साहित्यिक, जैसे कि नीरजा, संध्या, आशा, इंदु, गुड़िया या कुछ भी। मम्मी, लड़की अगर पसंद भी आ गई ना तो शादी के बाद मैं उसका नाम बदल दूंगा। हाँ ठीक है बाबा, शादी के बाद जो तेरे जी में आए वो करियो तुम। वरना मैं शादी नहीं करूंगा, एक बात जान लो तुम। क्या कहा जी? कुछ नहीं। देखो रमेश, हमने तुम्हारे लिए लड़की देख भी ली है और पसंद भी कर ली है, तुम सिर्फ जाकर के लड़की को देख कराओ जी। और सुनो, हम लोगों ने तुम्हारी शादी अप्रैल में तय कर दी है, समझे जी? अपने लड़के को समझा देना। समझा देना। मम्मी एक बात जान लो, लड़की अगर पसंद नहीं आई ना तो मैं किसी सती अनुसुईया से शादी नहीं करूंगा। फिर वही बात। अरे पहले जाके लड़की को देख तो आ। एक सरिता देना और एक स्टारडस्ट भी। सत्तर। बैतूल से चलकर खंडवा जाने वाली 13 डाउन अपने समय से आधे घंटे लेट चल रही है, विलंब के लिए हमें खेद है। कितनी अच्छी कहानी है ये। इस कहानी के नायक गोपाल की मुलाकात इसकी नायिका कमला से स्टेशन पर ही हुई थी। क्या ड्रामेटिक मुलाकात है इनकी। गोपाल के कॉलेज की परीक्षा खत्म हो चुकी है, वो घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ चुका है, तभी अचानक वो देखता है कि सामने से एक सुंदर सी युवती उसी के कंपार्टमेंट की ओर भागती आ रही है। थैंक यू क्या बात है। आई वैसे आपका सीट नंबर कौन सा? S20। S20 जी। मेरा S20। क्या बात है, आइए ना। क्या रोमांटिक मीटिंग है इनकी। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। बिना रोमांस के जीना भी कोई जीना। काश। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आइए लाइए अपना बैग मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं ठीक है। वैसे आपका सीट नंबर कौन सा है? मेरे सामने वाली ही सीट पर। देखा, मेरे साथ भी वही हुआ जो गोपाल के साथ हुआ। गोपाल ने खतरा उठाकर उसका बैग उठाया और मैंने इसका। देखें अब आगे कहानी में क्या होता है। जी मेरा नाम गोपाल है, आपका? मेरा नाम कमला। कमला, बड़ा सुंदर नाम है। आप है भी कमल जैसी। बड़ा रोमांटिक है ये। वैसे मेरे वाली भी कमल जैसी है, मैं भी नाम पूछूं क्या?
पर क्या सोचेगी, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा आपने सलाम नमस्ते 3 बार देखी है? क्या बात है, मैंने भी 3 बार देखी है एक ही सीन के लिए। आप समझ गए होगी ना कौन सा वाला? समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। अरे यार ये तो बहुत आगे बढ़ गया, और मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे सुनो, डिस्टर्ब मत करो यार, मैं तुम्हारी कहानी पढ़ रहा हूँ। देखो तुम्हारा जो होना था वो हो चुका, अब थोड़ी मेरी भी मदद कर दो ना। यार तुम भी बातचीत शुरू कर दो, बातचीत से ही संबंध बढ़ता है, प्रेम होता है। अच्छा ठीक है। पर यार ये तो गुड़िया सी बैठी है। यार इस लड़की को इतनी मुश्किल से तुमने ट्रेन में चढ़ाया, हाँ ये भी नहीं पूछ सकते कि कहाँ जा रही है? आप कहाँ जा रही है? खंडवा। आप शायद खंडवा में ही रहती है, नहीं? जी। आप पढ़ती हैं? पढ़ी तो रही हूँ। जी वो नहीं, मेरा मतलब है आप किस कॉलेज में पढ़ती हैं? अच्छा अच्छा मैं विमेंस कॉलेज धनपुर सेकेंड ईयर में। अरे यार इस लड़की से तो बात करने की हिम्मत ही नहीं होती। सुनो हिम्मत क्यों नहीं होती यार, मैंने भी तो कमला से उसका नाम पता पूछा था। हाँ तो मैं भी पूछू? जल्दी पूछो, डरो मत। एक्सक्यूज मी आपका नाम क्या है? ये तो पीछे ही पड़ गया, कमला। कमला? अरे यार तुम्हारी वाली का नाम भी कमला है और मेरी वाली का भी। क्या बात कर रहा है, सहयोग अच्छा है, आगे बढ़ो। आपका नाम भी कमला है, बहुत अच्छा नाम है। आपने कुछ कहा? जी मैंने कहा आपका नाम बहुत सुंदर है कमला, और आप हैं भी कमल जैसी। जी 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 कुछ नहीं, मेरा मतलब है आप खंडवा में कहाँ रहती है? अगर सच बता दिया तो ये महाशय घर के चक्कर काटना शुरू कर देंगे। रामगंज में। अपने बारे में कुछ बताना? हाँ गुड आइडिया, मैं भी धनपुर के लॉ कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं भी खंडवा ही जा रहा हूँ पंडित जगदम्बा प्रसाद जी के यहाँ। जी आप रहते कहाँ हैं? बैतूल में। आपका नाम? जी मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। बस एक और। नहीं प्लीज मेरे लिए प्लीज 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 ले लीजिए ना। थैंक यू। अरे सुनो यार अब मैं क्या करूं, ये तो सिकुड़ती जा रही है। अरे कुछ खिलाओ पिलाओ यार, देखा नहीं हाँ? कमला के मना करने पर भी मैंने उसे काजू की बर्फी खिलाई। हाँ खिलाने पिलाने से लड़कियां खुश होती है। ओ हाँ लेकिन यार मेरे पास तो खिलाने पिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिंता क्यों करता है, अगला स्टेशन आएगा हाँ? खिला देना। गुड आइडिया। सुनिए कोल्ड ड्रिंक पियेंगे आप? जी नहीं। केला खाएंगे? नहीं। ये संतरे लीजिए बहुत रसीले हैं। जी नहीं। नहीं चाहिए? अच्छा सेब चलेगा? नहीं एकदम फ्रेश है। पान खाइए, यहाँ के पान बहुत मशहूर है।
ये तो कुछ खाती नहीं, अब मैं क्या करूं? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? पहले तो नाम पता पूछ रही थी, फिर अचानक चुप हो गई, और अब देखो देख भी नहीं रही है मेरी तरफ। क्या मतलब है इसका? लड़कियां ऐसा ही करती है दोस्त। ऐसा ही करती है? मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कमला से मेल जोल बढ़ा और प्रेम हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रतिज्ञा हुई, जन्म जन्म तक साथ निभाने का वादा। अच्छा, मामला यहाँ तक पहुँच गया? हाँ, हमने तो कसम भी खाई थी कि एक दूसरे से कभी अलग ना होंगे। तो क्या तुम लोगों ने शादी कर ली? नहीं यार, बाद में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हो गई? क्या हुआ था? मेरे पिताजी ने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी शादी एक धनी की बेटी से करा ली, और तुमने कर ली। क्या करता? धिक्कार है तुम पर, कायर हो तुम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। कहना आसान है रमेश, करना बहुत कठिन। तुमने भी तो मन ही मन में अपनी कमला से प्यार किया है, अब क्या करोगे तुम? देख लेना, भाड़ में गई सती अनुसुईया और पंडित जगदम्बा प्रसाद। अब तो मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं मैं, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। चाय गरम। हाँ, गाड़ी लेके आए। चलो चलो। अरे अनुसुईया, कहाँ थी तुम? मैं कितनी देर से फोन मिला रही हूँ। अगर इस बीच में वो लोग आ जाते तब तुम्हारी मूरत दिखाते उनको। भाभी बताती हूँ क्या हुआ, अंदर चलो। कहाँ है भाभी? वो तो मेरी ही ट्रेन से मेरे ही डब्बे में बैठ के आए हैं। क्या क्या कह रही है तू? इधर आ। सर, आपकी कसम। हाँ, वो तो आते ही होंगे। पर तुझे कैसे पता कि वो ही थे? कह रहे थे मुझे खंडवा में जगदम्बा प्रसाद के यहाँ जाना है। और क्या बात हुई है। मुझसे कहने लगे पान खाओ। मैंने सोचा कॉलेज का कोई आवारा लड़का होगा, इसलिए मैंने उन्हें अपना नाम कमला और पता रामपुर बदला दिया। बहुत शैतान है तू। चल, दोनों की मुलाकात तो अच्छी रही ना। अनुसुईया बेटे, तैयार हो गई तू? जी। चलो, अच्छा है, लड़के के आने का टाइम भी हो रहा है, मैं देखता हूँ। अब दूसरी मुलाकात के लिए तैयार रहो। और हाँ, इस बार तुम पूछ लेना पान खाएंगे। रुको, यही रुको। श्रीमान जी, पंडित जगदम्बा प्रसाद जी का घर यही है? जी हाँ, जी हाँ, मैं ही हूँ जगदम्बा प्रसाद। आप? जी नमस्ते, मैं रमेश, पंडित हरिप्रकाश शर्मा का बेटा, बैतूल से। आइए आइए, अंदर आइए। जी आइए आइए, अंदर आइए। क्षमा कीजिए, मैं अंदर नहीं आ सकता, मेरे पास समय नहीं है। अरे लेकिन क्या कह रहे हो, अंदर आओ, बैठो, चाय वाय तो पियो। आप मुझे अंदर बिठाइए, चाहे चाय पिलाइए या मिठाई खिलाइए, आप चाहे जो कीजिए, मगर मैं यहाँ सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैं ये विवाह नहीं कर सकता। क्या? अरे आपके पिताजी ने स्वयं ये रिश्ता पक्का किया है। मुझे मालूम है, लेकिन मैं इसे तोड़ता हूँ, ठीक है? देखिए, विवाह मुझे करना है, मेरे पिताजी को नहीं। अब मैं चलूं? लेकिन बेटा देखो, बात यह है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, सोचो तो। देखिए, मैं नहीं करना चाहता किसी सती अनुसुईया से शादी। नमस्ते। चलो चलो भाभी। आप खंडवा में कहाँ रहती है? रामगंज में। रामगंज चलो। पूरा रामगंज छान मारा, 10 कमलाओं से मिला, एक भी मेरी वाली नहीं निकली। अरे तो इसमें चिंता करने की कौन सी बात है, कमला से मेरी अगली मुलाकात 4 महीने बाद हुई थी। और तुमने तो पूरा पता ले लिया था ना? अरे कमला ने भी तो अपने बारे में तुम्हें बताया था, विमेंस कॉलेज धनपुर सेकंड ईयर। अरे हाँ यार, छुट्टियां खत्म हो जाए, जाकर मिल लेना। हाँ।
लेकिन तूने लड़की को ना क्यों कह दिया? क्यों रे, क्या हुआ बता ना, तुझे लड़की पसंद नहीं आई? मैं तो लड़की से मिला भी नहीं। मिला भी नहीं? लेकिन इसी काम के लिए तो हमने तुझे वहां भेजा था बेटा। मम्मी बात यह है कि ट्रेन में मुझे एक लड़की मिली और वो मुझे बहुत पसंद आ गई। ओ, तो तुम्हें ट्रेन में लड़की पसंद आ गई? हाँ। किस जाति की थी वो? मुझे नहीं मालूम। उसके पिताजी क्या करते हैं? मुझे नहीं मालूम। उसका मुझे पता दो। मुझे नहीं मालूम। मम्मी मुझे कुछ नहीं मालूम। कुत्ते कमीने बसा सुअर जिस लड़की के माँ बाप के बारे में नहीं जानता उससे प्रेम करता है। हाँ। और जिसकी माँ है बाप है उससे प्रेम नहीं करता। नहीं, अरे निकल जा मेरे घर से। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लग नहीं छोड़ा। अरे अरे चलिए आप, मैं संभालती हूं। कहां जाओ, चुल्लू भर पानी दो, मुझे डूब मरूं मैं। मैं जाने कैसे मेरे खानदान में पैदा हो गया। से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में? अबे क्या कर रहा है यार, क्या तेरा प्रेम खत्म हो गया? नहीं यार, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, तूने 4 महीने एक एक पल मैंने उसकी याद में गुजारे। बहुत अच्छे, आगे क्या विचार है? आगे बस छुट्टियां खत्म हो जाए, मैं धनपुर जाऊंगा और जाकर उससे मिलूंगा। प्यारे छुट्टियां तो कब की खत्म हो गई, कहां हो तुम? अरे हाँ यार, मैं जाता हूँ विमेंस कॉलेज सेकंड ईयर। कमला, अरे एक मिनट, मिनट धनपुर में किसी को जानता है? हाँ, मेरे संतू भैया है ना वहाँ पर। संतू भैया? अच्छा सुन, खाली हाथ मत जाना, कोई अच्छा प्रेजेंट जरूर ले जाना। ओके कमला, आई एम कमिंग। अरे आ जाओ भाई, दरवाजा खुला है यार। संतू भैया नमस्ते। अरे नमस्ते रमेश। अरे आओ यार रमेश, बड़े दिनों बाद आना हुआ है। हाँ अजी, क्या मजनू जैसी हालत बना रखी है। अब आपसे क्या छुपाना संतू भैया, वो क्या है कि मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया है। सच? आपसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। अच्छा ये बता, कहाँ रहती है वो? यहीं पढ़ती है विमेंस कॉलेज में सेकेंड ईयर में, कमला नाम है। संतू भैया अगर आप मदद करेंगे तो हमारी मुलाकात। अरे यार ये कौन सी मुश्किल बात है, एक बात बता देखने में कैसी है? अच्छी है, मेरा मतलब बहुत अच्छी है। जरूर अच्छी होगी, तेरा दिल ऐसे ही नहीं आ गया उस पर। अच्छा एक बात बता, तू अपनी भाभी से मुलाकात करेगा? भाभी? संतू भैया आपने शादी कर ली, चुपके से मिट्टी फटकार दी और हमें खबर तक नहीं दी है। अरे यार क्या बताऊं, सब कुछ इतना जल्दी में हो गया, किसी को नहीं बुला पाया। अभी पिछले महीने ही तो हुई है। अच्छा अच्छा। अरे सुनती हो? अरे सुनो, आओ तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे देवर से करा दूं। अरे आ जाओ, अपना रमेश आया है, शर्माओ मत, आ जाओ आ जाओ। अरे तुम लोग तो ऐसे गुमसुम हो जैसे बड़ी दुश्मनी हो। आओ परिचय तो करा दूं, यह है तेरी भाभी अनसुईया, खंडवा के पंडित जगदम्बा प्रसाद जी की बेटी है। और ये मेरे मित्र रमेश चंद्र शर्मा, यहाँ किसी कमला नाम की लड़की की तलाश में आए हैं। सेकंड ईयर में पढ़ती है वुमेन्स कॉलेज में, ट्रेन में रोमांस हो गया था इनका। क्यों यही बात है ना? क्या नाम बताया अपने भाभी का? अनसुईया। अच्छा नहीं है ना, कुछ पौराणिक सा है। चल तू ही कोई साहित्यिक सा नाम रख। चल भाई अब तेरी कमला को भी ढूंढ लाए, कहीं भी हो तेरी शादी करा के ही छोड़ूंगा। नहीं संतू भैया फिर आऊंगा, वो क्या है कि एक जरूरी काम याद आ रहा है, आज दोपहर की गाड़ी से घर वापस लौट रहा हूँ, चलता हूँ। अरे रमेश। Yeah.
फल लाया तो था मैं अपनी कमला के लिए, पर आपको दिए जा रहा हूं। मेरी तरफ से अपनी शादी का उपहार समझकर स्वीकार कर लीजिए। इसकी क्या जरूरत है रमेश? ऑल द बेस्ट संतू भैया। से इनकार नहीं किया, ये मेरी गलती थी। और मैंने शादी से इनकार कर दिया, ये मेरी गलती थी। साले, अगर मैंने तेरी ये कहानी नहीं पढ़ी होती ना, तो मेरा ये हाल नहीं होता।